नमस्ते बच्चों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का वेलकम है। आज हम नीट 2020 में जो केमिस्ट्री की जो सवाल आए थे, क्वेश्चन आए थे, हम उनकी बात करते हैं। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि नीट के पेपर में केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन आते हैं। आज हम यहाँ से शुरू करते हैं कि एक एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो जो स्टूडेंट फर्स्ट बार ये मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सब स्टूडेंट है वो इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो बड़ा हम बात कर रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन आते हैं नेट से में केमिस्ट्री के। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। बिल्कुल पहला क्वेश्चन बेटा आपको ये दिया है कि सुक्रोज के जल अपघटन देता है। सुक्रोज जब जल अपघटन देता है तो हमें क्या प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन क्या दिया बेटा, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज। ऑप्शन दो, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। अल्फा डी फ्रक्टोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी फ्रक्टोज। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बेटा, वो चैप्टर नंबर अपनी क्लास 12th है और उसका जो आपका चैप्टर है, चैप्टर 14 में से क्वेश्चन पूछा गया है। जो हमने जैव अणु बायो मॉलिक्यूल्स वाला जब टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, तब हमने इस क्वेश्चन की बात की थी। क्वेश्चन ये था कि जब आप सुक्रोज का जल अपघटन करोगे, सुक्रोज का जब आप किसका बेटा सुक्रोज का जल अपघटन करोगे तो आपको कौन सी इकाई प्राप्त होगी। आप सब जानते हो कि सुक्रोज होता है वो एक क्या होता है बेटा, डाईसेकेराइड। सुक्रोज होता है वो क्या है बेटा, डाईसेकेराइड, जिसके जल अपघटन करने पर हमें दो मोनोसेकेराइड इकाई प्राप्त होती है। कितनी, दो मोनोसेकेराइड इकाई प्राप्त होती है। पहले इकाई का नाम तो आपने क्या दिया बेटा, ग्लूकोज, और दूसरी वाली इकाई को आपने क्या नाम दिया था, फ्रक्टोज। तो आपने जो ऑप्शन देखे हैं उनमें सब में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज है, लेकिन मैंने जब जल अपघटन किया था तो आपको बताया था कि जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं उनका विन्यास क्या होता है, दोनों का डी होता है। अब यहाँ याद क्या रखना था कि सुक्रोज का जब हम जल अपघटन, सुक्रोज का जब हमने जल अपघटन किया था तो हमें अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त होता बेटा, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज इकाई प्राप्त हुई थी। तो अब आप ऑप्शन में चेक कर सकते हो ये ऑप्शन कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो याद करने वाली बात थी कि ग्लूकोज का जब हम सुक्रोज का, जब हम सुक्रोज का जल अपघटन करते हैं, सुक्रोज का जब हम जल अपघटन करते हैं तो हमें कौन कौन सी इकाई प्राप्त होगी, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज इकाइयाँ हमें प्राप्त होती है। तो इस ऑप्शन जो आपके स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ ऑप्शन नंबर कितना, दो। तो आपका जो क्वेश्चन आया था 91 नंबर पर ये क्वेश्चन आया था, क्योंकि मैंने आपको ये कहा कि 90 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन है वो बायोलॉजी के आते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। तो 91 पर आपका ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो इसका आंसर क्या कर दोगे बेटा, आंसर कितना हो गया इसका, दो हो गया। उम्मीद है बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 92 की बात करते हैं। आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा आप क्वेश्चन नंबर 92 केमिस्ट्री का दूसरा क्वेश्चन, पर्सन बोल देता हूँ, साथ में स्क्रीन पे लिखा हुआ है जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पर्सन क्या है, टू ब्रोमो पेंटेन से पेंट टू इन बनाने की विलोपन अभिक्रिया की। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको क्या बनाना बेटा, टू ब्रोमो पेंटेन से, टू ब्रोमो पेंटेन से आपको पेंट टू इन बनाना है, टू ब्रोमो पेंटेन से पेंट टू इन बनाना है। अब यहाँ पर विलोपन अभिक्रिया होती है, विलोपन अभिक्रिया। अब इसके लिए कहा है कि तीन चार पॉइंट दिए हैं, वो अपने को देखना है
कि कौन सा पॉइंट यहाँ पे सही है। पहला पॉइंट ये दिया है कि ये बीटा विलोपन, पहला पॉइंट क्या बेटा, ये बीटा विलोपन अभिक्रिया है, पॉइंट नंबर ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है जेड सेफ नियम का पालन करती है, जेड सेफ नियम का पालन करती है। तीसरे की बात करें वी हाइड्रो हेलोजनीकरण, वी हाइड्रो हेलोजनीकरण अभिक्रिया है। और नंबर चार, नंबर तीन पे क्या लिखा है, वी हाइड्रो हेलोजनीकरण अभिक्रिया, और नंबर चार पे आपका है निजलीकरण अभिक्रिया है। तो बेटा हमें करना क्या है कि टू ब्रोमो पेंटेन से हम पेंट टू इन बनाएंगे, तो ये चार कथन दिए गए हैं, उनमें से कौन कौन सी बातें इस अभिक्रिया के लिए सत्य है हमें उसके बारे में पता लगाना है। तो बेटा पहले हम रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, क्वेश्चन कौन से चैप्टर से अपने ट्वेल्थ क्लास में, चैप्टर नंबर, जल्दी से बेटा कमेंट्स में, चैप्टर नंबर 10 हैलोजन वितरण वाले से क्वेश्चन है। तो चैप्टर नंबर आपका क्लास ट्वेल्थ में जो चैप्टर नंबर 10 है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। और आपने ये जो एल्किल हैलाइड की जो रसायन, एल्किल हैलाइड की जो रासायनिक अभिक्रिया है वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रश्न को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो टू ब्रोमो पेंटेन बनाते बेटा CH3 CBrH, CH3 CHBr, CH2 CH2Br, CH3 हो गया बेटा। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, तो टू नंबर पे ब्रोमो और पांच कार्बन की श्रृंखला तो पेंटेन। अब बेटा आपने पढ़ा था, रिएक्शन हमने पढ़ाई थी आपको कि एल्कोहलिक KOH से ये जो अभिक्रिया हम किससे करवाते हैं, एल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया करवाते हैं तो विलोपन अभिक्रिया होती है। अब देखो बेटा Br जिस कार्बन से जुड़ा वो कौन सा कार्बन, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास वाले कार्बन से कौन सा कार्बन होता है, बीटा, बीटा कार्बन। अब होता क्या है कि ये जो Br है वो बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन अपने साथ लेकर जाएगा, इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया हुई, बीटा विलोपन। पहली बात क्लियर है, बीटा विलोपन, क्योंकि Br इस कार्बन से जुड़ा, ये कौन सा कार्बन हुआ, अल्फा कार्बन। अब इसके दोनों पास वाले कार्बन कौन से होते हैं बेटा, कौन से कार्बन होते हैं, बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन से अब ये Br एक हाइड्रोजन लेगा, इस कारण से इसको हमने बीटा विलोपन अभिक्रिया कह सकते हैं। अब दूसरी बात, आपके पास दो ऑप्शन है कि इधर भी बीटा हाइड्रोजन है, इधर भी बीटा हाइड्रोजन है, तो दोनों में से किसी एक से हम हाइड्रोजन लेंगे। तो हमने सत्य जेफ नियम पढ़ा था कि हाइड्रोजन है उस कार्बन से जाएगा जिससे द्विबंध बीच में आ जाए और उस पर एल्किल समूह की संख्या ज़्यादा हो जाए, तो इधर की जगह ये जाएगा यहाँ से, अब यहाँ से H गया, यहाँ से Br गया, तो कौन सा नियम लागू हो गया, सत्य जेफ नियम का पालन भी करता है, कौन से नियम का, सत्य जेफ नियम का पालन करता है। तीसरा, यहाँ से Br गया और यहाँ से हाइड्रोजन गया, यहाँ से Br बाहर निकला और यहाँ से हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को क्या बोलते हो, हाइड्रो हैलोजन को हैलोजनीकरण, और बाहर निकलने का मतलब वी हाइड्रो हैलोजनीकरण। तो ये बात भी इस अभिक्रिया के लिए क्या है, सत्य है, सही है, कोई गलत नहीं है। अब निजलीकरण की अभिक्रिया, इसमें कोई जल का अणु बाहर नहीं निकलता है, तो ये बात इसके लिए गलत है। तो ये तीनों बात इस अभिक्रिया के लिए बिल्कुल सही है। तो देखो यहाँ से Br और यहाँ से H बाहर निकाल दिया, तो क्या बना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, क्या नाम हो गया बेटा इसका, टू या पेंट टू इन बोल दो आप, पेंट टू इन,
बन गया बेटा, पेन टू इन का निर्माण हो गया। अब देखो बेटा, हाइड्रोजन बीटा कार्बन वाला मतलब बीटा हाइड्रोजन बाहर निकला, इस कारण से क्या नाम बोल सकते हैं, बीटा विलोपन अभिक्रिया है। सत्यजेव नियम का पालन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो प्रकार की, क्यों बेटा अगर एच आप यहाँ से निकालोगे तो वन पेंटिन बनेगा, और यहाँ से एच निकला इधर वाले से टू पेंटिन, तो सत्यजेव नियम हो गया। इसके अलावा वी हाइड्रो हेलोजनीकरण, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों बाहर निकले हैं, तो ये बात भी यहाँ पर लागू हो गई है। अब देखो, निर्जलीकरण वाली बात लागू है क्या बेटा, नहीं है, तो ये बात गलत है। इसका मतलब अब आपको चार ऑप्शन दिए 1, 2, 3, 4 लिखकर कि कौन सा इनमें से सही है, तो हमें पता है ए सही है, बी सही है और सी सही है, तो ये तीनों जिस ऑप्शन में होंगे वो आंसर अपना सही होगा। तो ए में दिया ए सी डी, ये भी गलत हो गया, बी सी डी ये भी गलत है, ए बी डी ये भी गलत है, ए बी सी ऑप्शन नंबर चार, ऑप्शन नंबर चार, तो ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर चार का आंसर है। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो 92 पर आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा बेटा, ऑप्शन नंबर चार। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से नीट में आए दो क्वेश्चनों को बेटा हल किया है, और दोनों क्वेश्चन 11th, 12th स्टैंडर्ड से अपने बुक से उठाए गए हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आप समझ सकते हो कि अगर आप 11th, 12th की अगर मजबूती से इंटरेस्ट लेकर तैयारी करोगे तो नीट्स की एग्ज़ाम जो अगले साल होगी उसमें आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। अब बेटा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर वेट कीजिए, जिसमें धीरे धीरे हम नीट्स में आए सभी क्वेश्चनों की बात करते रहेंगे। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नज़र आ रहे होंगे, वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, और साथ में अपने जितने भी साथी हैं शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।